अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिट फाट होंगे। ईद मुबारक आपको बहुत ज्यादा। ईद के पहले दिन मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, रमजान में व्लॉग नहीं आ सके उसके लिए बहुत मदद हूँ भाई। मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है और आज आपको इतना कुछ दिखाने वाला हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। 85 चूजे लेकर आया हूँ मैं। कैसे लेकर आया हूँ, कहाँ है, क्या है, सारी चीजें इसी व्लॉग के अंदर बताऊंगा। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये चेक करें यार, मौसम कितना जबरदस्त किस्म का हो रहा है इस वक्त। यार ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन ही हल्की सी जो है ना बारिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहाड़ों के पास जो है ना बारिश हो रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की। मौसम बहुत ही बेहतरीन, ठंडा ठार हो चुका है। आज तो भाई ईद का मजा हो चुका है दोबाला। पिछले दिनों की सारी कसर निकालने वाले जितने व्लॉग्स नहीं आए ना, आप उसी तरह इस चैनल के ऊपर बहुत ढेर सारे व्लॉग्स भी आएंगे, वीडियोज आएंगी। रमजान में वीडियो जरा थोड़ी सी नहीं बना सका, अब जो है प्रॉपर वीडियो आएगी। तो आए, अब ज्यादा बातें नहीं करते, आपको परिंदे दिखाते हैं और आपको चूजे दिखाते हैं। 85 तो ऊपर से यार मैं नीचे आ गया हूँ, अब आपको दिखाते हैं। पहले आगाज करते हैं, अजान तो आपको आवाज आ चुकी होगी। सबसे पहले आगाज करते हैं हम अपनी इस मुर्गी से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस दिन हमने मुर्गी ली थी, इसका व्लॉग जो है हम बाद में अपलोड करेंगे। इस मुर्गी को लेने का व्लॉग जो है मैं आपको इस वीडियो के बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि वो मैं वीडियो बनाई अपलोड नहीं की, लेकिन बस रमज़ान में सुस्ती की वजह से। तो ये मुर्गी जो है बहुत ही स्पेशल किस्म की मुर्गी लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही आला नस्ल की मुर्गी है ये, तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। कितने ये हमारे चूज़े देखें कितने बड़े हो चुके हैं, और ये हमारे जो पैर फिर रहा है, और ये चेक करें जी, ये हमारे जो हैं असील चूज़े हैं, वाइट कलर के हीरा नस्ल है जनाब, वाइट कलर के बहुत प्यारे हैं। देखें मेरे हाथों के ऊपर मार रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक चूज़े हैं ये जो है ना, ये देख रहे हैं किस तरह मार रहे हैं मुझे। और माशाल्लाह जितने खूबसूरत हैं उतने ही डेंजरस भी हैं। ये जिनसे हमने लिए थे वो बहुत ही अच्छी उनके पास ब्रीड थी, तो इंशाल्लाह जब ये बड़े होंगे मैं आपको सारा दिखाऊंगा ये मुर्गे बनेंगे। ये येलो टांगों वाला जो है ना ये मुर्गा है, और ये बाकी दो मुर्गियाँ हैं। ये देखिए खाना पीना कर रहे हैं अपने। तो ईद मुबारक छोनू, इनके नाम आप सजेस्ट कीजिएगा, इन तीनों के ना हम कोई अच्छे से नाम रखेंगे। ये तीनों देख लें, ये मेल है, ये दो फीमेल्स हैं, आज हम नाम भी रखने वाले हैं। वो देख रहे हैं उसको कैसे गुस्सा आ रहा है और ये मेरे हाथों पे मार रहा है। नाम जो है मुझे आपने ज़रूर सजेस्ट करना है। अच्छा, नीचे वाले जो चूज़े हैं हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये चेक करें हमारे जितने भी चूज़े थे, ये कोई नाना करते हुए 17-18 चूज़े हैं, ठीक है। और ये हमने अपने ही जो है ना इंक्यूबेटर में से निकलवाए थे। इसमें जो हमारे पास नीचे मुर्गा ही है उसके बच्चे हैं, और ये हमारे पहले वाला हैच है अभी। ये माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। पानी गिरा दी इन्होंने एकदम से यार, पानी सारा गिरा देते हैं। तो ये है, और ये एक मुर्गी ने अंडा भी दिया हुआ है, इसका अंडा भी उठा लेते हैं, गरम गरम अंडा यार। अब आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका इंतज़ार था। ये चेक करें यार, ये चेक करें, आप कहेंगे यार इसने तो पोल्ट्री फार्म खोल लिया है। ये सारे फैंसी चूज़े हैं, ये हैवी बफ का चूज़ा है, ठीक है। ये बड़े साइज़ में होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास ब्लैक कलर का था ना, इसमें हैवी बफ है। और इसमें आपको एक और दिखाता हूँ, एक ये नस्ल है, आप ये देख सकते हैं इनके पैरों पे बाल है, मिली फ्लावर है ये। और इसमें जो है एक और नस्ल, हाँ वो ये रही, ये जो है गोल्डन बेंटम है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ढेर सारे हैं, इनको मैं खाना पीना वगैरह इसी में देता हूँ। पूरा मैंने इसका सेटअप किया हुआ है ब्रूडिंग का, ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, पूरा मैंने ना ब्रूडर बनाया हुआ है इनका, देसी ब्रूडर बनाया हुआ है मैंने यहीं पर जो है ना घर पर ही बनाया था। और बेहतरीन किस्म के चूज़े पाल रहे हैं, ये एक हफ्ते के चूज़े हैं, ये मैंने ख़रीदे हैं कुछ 60 चूज़े हैं, ये 50 से 60 चूज़े हैं। ये हमने एक बंदे से ख़रीदे हैं, ये बड़े करेंगे। ये सारे चूज़े इसी वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर आपको बड़े करके दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं दिखाता हूँ, हमने अंडे रखे हुए थे अंडों वाली मशीन में इनक्यूबेटर के अंदर, और आप यकीन करेंगे उसके अंदर बतखों के बच्चे निकले हैं। हमारी लंबी गर्दन वाली बतख के बच्चे जो आपने देखे थे, बतखों ने निकाले थे, उनके नीचे अंडे रखे थे, वो भी निकला है। और ब्रूडर के इनक्यूबेटर के अंदर जो मैंने अंडे रखे थे वो भी निकला है, वो भी आपको दिखाता हूँ। आए आपको दिखाते हैं छोटे बतख के बच्चे, ये चेक करें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बड़ी बतखों के बच्चे हैं जी, माशाल्लाह कोई 6-7 हैं। और ये हमारे पास खाकी कैमल के बच्चे हैं, और ये हमारे पास खाकी कैमल के बच्चे हैं, बहुत ढेर सारे हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, ये सारे लंबी गर्दन वाले बतख के बच्चे, इनको जो है ना हम निकाल लेते हैं अब इस ब्रूडर से। यहाँ पे शक्कर दे,
ये देखें, ये जो है ना लंबी गर्दन वाली बतख है, उनके बच्चे हैं, ये 7 बच्चे ये हैं और कोई 7-8 ये हैं, तो ये कोई 19-20 हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने प्यारे, कितने ढेर सारे, ये सारे हम इसको बड़ा करेंगे इन सारों को। चलो जी, ये तो हो गए बच्चे कुछ, और यहाँ पे भी हमने कुछ अंडे रखे हैं, इनका भी चेक करते हैं। ओ माशाल्लाह, इसमें से भी एक चूज़ा जो है ना निकल आया, ये भी हमारे असील चूज़े का बच्चा है, और एक चूज़ा इसमें से निकल रहा है मेरे ख्याल से। लें तो ये कुछ चूज़े थे, कुछ बतखें थी, अभी आपको और भी दिखाते हैं, बहुत कुछ है दिखाने को, वीडियो में आखिर तक बने रहे आप। अच्छा, इसका यार मैंने नाम रख दिया है, एक ना इसका नाम मैंने रख दिया सुल्तान, क्योंकि ये बड़े साइज़ में और मोटा ताज़ा लंबा साइज़ है, इसका हाइट भी ज़्यादा है, वज़न भी ज़्यादा है, तो इसका नाम जो है ना सुल्तान सूट करता है। आप लोगों ने तो कोई खास अच्छा नाम बताया ही नहीं मुझे। ये देखिए हमारी मुर्गी पड़ोस में गई हुई, इसको बुलाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किधर आ जाओ। वो देखें जी, 7 वालों के घर पर गई हुई है। आ जाओ यार, इसको कैसे बुलाऊँ। तो यार सुल्तान की हैं 2-2 बीवियाँ, एक हम नहीं लेकर आए हैं, 2-2 मुर्गियाँ तो हैं नीचे हैं। सुल्तान की 2 मुर्गियाँ हैं, 2 नीचे इसके साथ होती हैं, और आप सोच रहे होंगे वो वाली मुर्गी कहाँ गई जो हम नहीं लेकर आए थे, वो आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये देखें, ये हमारी नई वाली मुर्गी जो है अंडों पर कुड़ुक बैठ गई है, इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसके बहुत ही कीमती अंडे हैं। ले जी, हमने अपने जो है ना चूज़े जो बड़े वाले जो बतख ने निकाले थे वो बाहर निकाल दिए हैं। ये इसकी माँ है, ये इसके बच्चे हैं, और आप ये देख रहे होंगे ये 3 चूज़े जो है ना, ये उसमें से मैं सोच रहा हूँ कि यार इनके साथ एडजस्ट कर लूँ, शायद जो है ना इनको एक्सेप्ट कर ले ये, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो इन तीनों को जो है ना हम इनके साथ छोड़ते हैं, देखते हैं कि ये इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती है। चलें भाई, आए चलो भाई, तीनों को ही उठा लिया मैंने, और ये मैंने ये देखें उनमें मार्च कर दी है। अब उनका साइज़ देखें, इनका साइज़ देखें और उनका साइज़ देखें कितना बड़ा है, और उनसे चला भी नहीं जा रहा सही से। ये देखें, ये गिर रहे हैं, बच्चे घबरा गए हैं। ओह, ये क्या कर रहे हैं यार, इसमें तो गिरा दिए इसको। ये बच्चे जो है ना साइज़ में देखें कितने छोटे हैं, तो अल्लाह करे अब ये एडजस्ट हो जाए, थोड़े घबरा रहे हैं ये, लेकिन हो जाएंगे। वो देखें ना, पाँव के नीचे दे देती हैं ये, लेकिन हो जाएंगे ये एडजस्ट इनके साथ। ये देखें ना, घुल मिल गए इनके साथ। ये चेक करें इनका कितना छोटा साइज है, ये बड़े हो गए माशाल्लाह काफ़ी, ये इनसे 15-20 दिन बड़े हैं माशाल्लाह। साइज चेक करें, ये माँ इनकी, अंडे इन इसके भी हैं और इसके भी हैं। और देखें, चलो भाई चलो अंदर, चलो चलो शाबाश, चलो 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 घर के अंदर, चलो चलो भाई, चलो 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 अंदर। चलो 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 ले जी, ये भी जाना, ये तीनों यहीं पर खड़े हो गए, उधर जाओ ना। चलो 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 चलो, एडजस्ट हो जाओ सारे, चलो शाबाश यार। ये तीनों जो है ना छोटे वाले एडजस्ट हैं, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, तो वो मैं ऊपर ही रखा हूँ। तो ये आज से जो है ना इसका नाम हमने सुल्तान रख दिया, ये सुल्तान होगा और ये सुल्तान की बीवी, और एक अंडों पे बैठी और एक ऊपर छत पे जो हम नहीं लेकर आए हैं। ये चेक करें जी, हमारे पौधे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बड़े हो चुके हैं। ये हमने छोटा सा पौधा लगाया था, कितना बड़ा दरख्त बन गया अभी, ये अभी मज़ीद जो है ना बनेगा। याद होगा, ये हमने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी, यहाँ से तोड़ के, इधर से तोड़ के कटिंग्स लगाई थी, ये कटिंग्स भी निकल आई हैं, ये भी निकल आई है, ये भी निकल आई है, ये चेक करें, ये भी निकल आई है, ये भी निकल आई है, ये भी निकल आई है, माशाल्लाह। और ये सारे पौधे जो है ना माशाल्लाह अच्छे से बड़े हो रहे हैं। बीच में ज़रा थोड़ी सी जंगली जड़ी बूटियाँ, ये हम जो है ना ईद के दिन गुजर जाए तो इसकी पूरी सफाई करवाएँगे, ये सारी जंगली जड़ी बूटियाँ। तो खैर, अभी तो और मज़ीद जो है ना बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं बारिश के कतरे पड़ रहे हैं,
बारिश हो रही है, अब इनको पानी शानी मिलेगा। ये देखें, ये बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये चेक करें, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो खैर, इनको छोड़ते हैं और चलते हैं ऊपर। ले जी, मिले हमारे कुकू और कोको से। कैसी हो जी कोको? और ये हमारा कुकू। मज़े हो रहे हैं, मज़े हो रहे हैं ना बच्चा? ये देखें, ये रजिस्टर्ड है, वाइल्ड लाइफ से रजिस्टर्ड हमारे हैं दोनों। ये भी हमारे वाइल्ड लाइफ से दोनों रजिस्टर्ड हमने करा रखे। ये तो, ये भी और ये भी, माशाल्लाह। हाँ जी, खुश हो इधर? चलो जी, इनको छोड़ते हैं इधर। ले जी, मैं ऊपर आ गया हूँ और यार सब बारिश हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार चूज़ों को अंदर रख देते हैं। यार बारिश हो रही है, मैं सोच रहा हूँ इनको जो है ना अब अंदर रख देते हैं, क्योंकि इनको लग रही है ठंड। तो चलें यार, अब इनको जल्दी से अंदर रख देते हैं। ये चेक करें जी, हमारे सुल्तान की नई बेगम। जिनको पहचान है वो समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। चेक करें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कीली ताज में है और पाँव पे इसके कील भी हैं, और बहुत खूबसूरत नस्ली मुर्गी है। माशाल्लाह मुझे ये बहुत पसंद आई थी, पहली नज़र में मुझे प्यारी लगी और मैं फ़ौरन जो है ना इसको ले आया था। अब ये माशाल्लाह इसके भी बच्चे लेंगे और इसके भी सिचुएशन देखेंगे कि क्या करती है। इसको मैंने जो है ना क्वारंटाइन किया हुआ है, इसको भी 2-3 दिन के बाद जो है हम नीचे सुल्तान के साथ छोड़ देंगे, तो वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। माशाल्लाह खूबसूरती देखें, बहुत अच्छी मुर्गी है। चूज़ों को हमने अंदर रख दिया है। ये हमारे जनाब आपको मिलवाते हैं हमारे जो है ना जावाद से। जावाद चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खा पी रहे हैं। एक हमारा ये जावा का पेयर है, ये मोल्टिंग में है, जल्दी से मोल्टिंग क्लियर करेगा तो ये भी अंडों पे आ जाएगा। एकदम ढेर सारे चूज़े मैं लेकर आया हूँ ना, इनका नाम तो हम एक एक का रखने लग जाए तो फिर नाम किस तरह याद रहेंगे। मैंने इन पूरे गैंग का नाम सोचा है फैंसी गैंग, क्योंकि फैंसी चूज़े हैं सारे हमारे सामने, बड़े होंगे, बड़े प्यारे लगेंगे, आपको सारे शो कराऊँगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो इस सारे जो है ना, इस पूरे फ्लॉक का, इस पूरे स्क्वाड का नाम हमने फैंसी गैंग रख दी है। यार मैं ऊपर आ गया हूँ और मौसम चेक करें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। मैं आपको बार बार मौसम इंजॉय करवा रहा हूँ पूरा साथ साथ। ईद को ना 4 चांद लग गए हैं बारिश की वजह से। खैर, ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट करें। ईद मुबारक अगेन, वंस अगेन, आप व्लॉग्स आते रहेंगे। छोटे 3 वाइट कलर के चूज़ों के बारे में मैंने पूछा आपसे कि उनका नाम हम क्या रखें, जल्दी जल्दी से नाम सजेस्ट करें। जो मेरे पक्के सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर मुझे पता है नीचे कमेंट करेंगे वीडियो के, अच्छा नाम जो सा होगा रख देंगे। 3 वाइट कलर के जो चूज़े हैं हमारे असीम, उनका नाम आपने सजेस्ट करना है। मिलते दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।